तो दोस्तों बढ़िया बारिश वाली शाम है, हमने सोचा क्यों ना चलते फिरते अपने गार्डन में घूमते हुए आपके कुछ सवालों के जवाब दे दें। तो पहला सवाल जसविंदर जायसवाल ने पूछा था कि स्क्वायरल से कैसे बचाएं पौधों को, स्क्वायरल यानी गिलहरी, तो गिलहरी से अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो जसविंदर जी हमारे यहाँ तो गिलहरी आती नहीं है, फिर भी एक दो उपाय इसके लिए हम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पर ये मटका बनाया अपना, इस मटके के अंदर है गौमूत्र, गौमूत्र में हमने डाला हुआ है चिली यानी लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन का पाउडर, नीम के पत्ते, एक हफ्ते तक हमने इसको सड़ाया, उसके बाद हम इसका स्प्रे करते हैं एज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। तो अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो आप गिलहरी से बच सकते हो। इसके अलावा आप नीम ऑयल का अगर लगातार स्प्रे करोगे गार्डन के चारों ओर, क्रॉप्स में तो करोगे ही करोगे, गार्डन के चारों ओर थोड़ा ज़्यादा करोगे जहाँ से गिलहरी आती है, तो उसकी स्मेल की वजह से गिलहरी उसे अवॉइड कर सकती है आपके जो भी नुकसान है। उसके बाद दूसरा सवाल है लेट्स प्ले का, नींबू के तने सूख रहे हैं, तो नींबू के तने, नींबू के प्लांट में क्या होता है कई बार डाईबैक आने लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ फंगल प्रॉब्लम आने लगता है, ऊपर से सूखने लगती है डालियाँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जहाँ से डाली सूख रही है जहाँ तक, उसके 2-3 सेंटीमीटर नीचे से उसको काट लोगे, उसमें आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ब्लाइटॉक्स का स्प्रे करोगे, ब्लाइटॉक्स नाम से आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो 3 ग्राम पर लीटर वाटर के साथ में मिक्स बना के उसका स्प्रे करोगे। पौधे की जड़ में भी आप डालोगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को और थोड़ा चूना भी डालोगे 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तीसरा सवाल है लीफ माइनर इन सिट्रस, इसके लिए कोई केमिकल बताइए, सिट्रस में लीफ माइनर के लिए केमिकल बताइए। तो लीफ माइनर के लिए हम वैसे तो केमिकल्स को प्रमोट करते नहीं हैं, आप रेगुलर अगर नीम ऑयल डालते रहोगे अपने प्लांट्स में तो आपका लीफ माइनर नहीं आएगा। आप स्टिकी ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाओगे तो भी आपके कई सारे लीफ माइनर उसमें पकड़ में आ जाएंगे। जो आप दवाई डाल सकते हो वो डाल सकते हो इमिडाक्लोप्रिड, अगर आपको दवाई डालनी ही ऑर्गेनिक नहीं करना है तो इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हो, 7.8 SL आती है 1 ml per liter वाटर के हिसाब से, ऐसे घोल बना के आप डाल सकते हो, आप लीफ माइनर से बच जाओगे। उसके बाद अगला सवाल है सफवान हसन का कि अगस्त में टेरेस गार्डन पे कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं। तो इसका कल ही हमारा एक वीडियो आया है जिसमें हमने कौन सी वेजिटेबल्स की पौध पड़ेगी वो बताया हुआ है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी वगैरह की पौध डाल सकते हैं, 1 महीने बाद वो पौध तैयार होगी, फिर उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अगला सवाल है पिंकाश का, कबूतर से प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो कबूतर से प्लांट्स को बचाने के लिए एक स्ट्रिप आती है, झालर आती है एक पॉलीथीन वाली, पतली से ऐसे झालर होती है, उसमें रंग बिरंगी पॉलीथीन के टुकड़े लगे रहते हैं। कई जगह आपने शादी विवाह में या देखा होगा गलियों के ऊपर लोग सजाते हैं उसे किसी प्रोग्राम के टाइम पे, तो उस तरह की झालर आप खरीद के लाओगे चमकीली वाली, और उसे जैसे आपका एक गार्डन है जहाँ अटैक हो रहा है उसके ऊपर ऊपर आप उसकी पट्टियाँ ऐसे ऐसे लंबा करके बांध दोगे। हमें 20 रुपये की करीब 10 मीटर के आसपास मिली थी जब हम लाए थे, तो इस तरह से आप 3-4 खरीद लेना, ऊपर से मार देना जो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते चमकीली से होती है, उससे आपके कबूतर नहीं आएंगे, आपकी क्रॉप में कबूतर खराब नहीं करेंगे। फिर इन्हीं का दूसरा सवाल है मिट्टी में बहुत सारे पैर वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मिलीपीड्स की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो बहुत सारे पैर वाले जो कीड़े भागते रहे मिलीपीड्स बोलते हैं, वो मिट्टी में होते ही, वो आपकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं करेंगे, नीचे ऊपर जाते रहेंगे तो और भी आपकी सॉइल में एरेशन बढ़ेगा, हवा का उसके अंदर हवा का जगह बनेगी, एयर जाएगी, एरेशन बढ़ेगा, तो आपकी क्रॉप अच्छी होगी, कोई नुकसान मिलीपीड नहीं करेंगे। उसके बाद विकास कुमार का क्वेश्चन है आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, ओके बादल करके हमारे चैनल है, वहाँ आप डीएम करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम ने पूछा है मुंबई जैसे शहर में बालकनी में कैसे सब्जी लगाएं। तो जहाँ तक मुझे पता मुंबई में बहुत स्मॉल स्पेसेस होते, बहुत छोटी आपकी बालकनी होंगी, तो आप लीफी ग्रीन्स, माइक्रो ग्रीन्स से तैयारी शुरू कर सकते हैं। छोटे से आप कंटेनर में धनिया पुदीना लगा सकते हैं, उसके अलावा बाद में पालक लगा सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आप लगाना शुरू करिए। सौरभ वशिष्ठ ने पूछा है कि मेरी लौकी की बेल पर 2-3 लौकी आती हैं, बाकी खराब हो जाती हैं, क्या किया जाए। तो लौकी की बेल पर 2-3 लौकी आती है, इसकी 3-4 कारण है आपका। सबसे पहले मैंने बोला आपसे कि जब भी आपकी लौकी का प्लांट लगाओ तो जब वो करीब इतना बड़ा हो जाए, इतनी लंबी उसकी बेल हो जाए 3-4 फीट की, तो आप उसमें 2G 3G कटिंग करो, जिससे ज़्यादा उसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद आप क्या करो कि जो भी आपकी लौकी बनती है उसको तुरंत तैयार होने पर तोड़ दो, ज़्यादा टाइम तो उसे पौधे पे मत रहने दो, और जैसे ही आप लौकी तोड़ते हो फिर से आप उसकी जड़ों में खाद पानी दो, न्यूट्रिशन दो अच्छे से। गहरा प्लांटर लो, और अगर गहरा नहीं है तो चौड़ा प्लांटर लो जिसमें रूट साइड वाइज मूव कर सके। एक चीज़ और है, आप हाइब्रिड वैरायटी लेने की कोशिश करो, आपको लगता है आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आप लौकी की हाइब्रिड वैरायटीज़ लेना प्रीफर करो, देसी वैरायटी मत, तो देसी वैरायटी में कमी आएगा प्रोडक्शन। तो जल्दी मिलेंगे एक और क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछते रहिए, डीएम हमको करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।